हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो देखिए, ये करी पत्ते की निमोनिया है। ये देखिए, ये करी पत्ते के बीज होते हैं, तो ये खाने में भी मीठे होते हैं। ये देखिए, ये देखने में छोटे छोटे जामुन लग रहे हैं, जैसे जामुन होते हैं। तो दोस्तों मैं निमोनिया से आंसू बनाने जा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आप इसमें हाई अल्कोहल बनाते हो तो आप इसको वाइन भी कह सकते हो। तो थोड़ा लो अल्कोहल बनाते हो तो ये आसवन है। आसव अरिष्टा जो होता है जड़ी बूटियों से ही बनता है। तो दोस्तों आसव अरिष्टा बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भारत में शुरू हुई थी, ये ऋषि मुनियों हमारे वैद्यों ने शुरू की थी। क्योंकि दोस्तों जो काढ़ा और कथाब जड़ी बूटियों से बनाया जाता है थब मरीज के लिए, तो वो दोस्तों उसको ज़्यादा दिन नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन में। तो इसलिए दोस्तों ये आसव अरिष्टा बनाने की परंपरा शुरू हुई। क्योंकि दोस्तों आसव अरिष्टा को आप कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हो, तो आप जड़ी बूटियों से एक बार ये आसव अरिष्टा बनाकर कई सालों तक इसका उपयोग कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप ये आसव अरिष्टा को डिस्टिल्ड कर लेते हो, यानी कि इसका अर्कनी निकाल लेते हो, तो दोस्तों ये सुरा में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों ये आसव अरिष्टा और सुरा और ये काढ़ा और कथाब क्या होता है, इस पर मैं किसी दिन अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी बताता जाऊँगा। तो दोस्तों ये करी पत्ते की निमोनियों से और भी जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है, इनका तेल भी निकाला जाता है, तो ये सेहत के लिए अच्छी होती है। इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए दोस्तों इनसे आसव या वाइन कह लीजिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने करी पत्ता की निमोनियों को ये देखिए तोड़ लिया था। तो ये देखिए, इनका मैंने जोक नहीं किया है कि यह कितने ग्राम है। तो ये देखिए अंदाजा से ही ये देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इनको दोस्तों मैंने अच्छे तरह से धो लिए हूँ। तो दोस्तों अभी हम करी पत्ता की निमोनियों को मसल मसल कर जार में डालते जाएंगे। तो दोस्तों इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा ही मसलना है, ज़्यादा मत मसलिएगा। ज़्यादा मसलने से दोस्तों इनके जो बीज है वो टूट जाएंगे, इनकी जो गुठली है, तो हमने गुठली को नहीं तोड़ना है, वो साबित रहना चाहिए। तो हल्का हल्का सा मसल लीजिएगा। और दोस्तों आप चाहो तो गुठली को अलग भी कर सकते हो। तो हल्का हल्का मसल कर इसमें पानी डालकर और असर निकाल लीजिएगा, गुदा वगैरह निकल जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे ही ये बीज भी साथ में ही डालने जा रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप गुदा अलग भी कर सकते हो गुठलियों से। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इनको हल्का हल्का सा मसल कर तो इनको जार में डालता जाऊँगा। तो यह देखिए, हमने सभी निमोनियों को हल्का हल्का मसल कर जी देखिए जार में डाल लिए हैं। तो अभी दोस्तों हम इसमें थोड़ी शुगर ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ का उपयोग भी कर सकते हो। मेरे पास दोस्तों ये देखिए, ये आयुर्वेदिक शुगर है। ये दोस्तों बिल्कुल केमिकल फ्री शुगर होती है। दोस्तों ये 80-85 रुपये में ये किलो आती है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इस शुगर का उपयोग करूँगा। दोस्तों आसव अरिष्टा में 3% के आसपास ही अल्कोहल होती है। तो दोस्तों अगर आप इसमें हाई अल्कोहल बनाना चाहते हो, जैसे दोस्तों 12% तक अल्कोहल बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप 1 लीटर पानी के पीछे 250 ग्राम शुगर डाल लीजिएगा। तो दोस्तों वो आसव अरिष्टा प्लस वाइन हो जाएगा, यानी कि वह सरूर भी बढ़िया देगा और आपके शरीर को फ़ायदा भी देगा। तो दोस्तों जी देखिए, मैं शुगर थोड़ा कम ही डालने जा रहा हूँ। मेरा दोस्तों 4 या 5% के आसपास अल्कोहल रहेगा। तो अगर आप कम अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आप 1 लीटर के पीछे 50 ग्राम या फिर 60 या 70 या 100 ग्राम तक शुगर डाल सकते हो। उससे आपका 3 या 4% के आसपास अल्कोहल रहेगा। अगर आपने हाई अल्कोहल बनाना है तो आप 1 लीटर पानी के पीछे 150 ग्राम शुगर डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ। जब ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा तो हम इसको जार में डाल देंगे। तो यह देखिए, हमारा शुगर पानी में डिसॉल्व हो चुका है। अभी हम इसको जार में डाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत शुगर नीचे रह गया है, तो इसमें भी हम पानी को घोल कर ये देखिए जार में डाल लेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसमें खमीर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ईस्ट है।
तो दोस्तों ये मेरा हार्वेस्ट किया हुआ ईस्ट है, यानी कि जब मैंने ये प्लम से यानी कि आलू बुखारा से वाइन बनाया था तो उसमें से ये देखिए मैंने ये हार्वेस्ट किया था ईस्ट, तो ये इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों अगर आप बढ़िया क्वालिटी का ईस्ट उपयोग करते हो तो इसका क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। जो ब्रेड बनाने वाला ईस्ट होता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है और थोड़ा बहुत उसमें से अलग ब्रेड टाइप स्मेल भी आएगा। तो जैसे मैं रेड स्टार का ईस्ट उपयोग करता हूँ जो स्पेशल वाइन बनाने वाला होता है, उससे क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया आता है। आपका मर्ज़ी ही, आप चाहो तो कोई भी प्रकार का या खमीर यानी कि ईस्ट उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए इसमें मैंने शुगर और खमीर डाल दिए हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसका फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यह तकरीबन 4 या 5 घंटा बाद फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गर्मी में तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है फर्मेंटेशन, लेकिन सर्दी में थोड़ा समय लग जाता है फर्मेंटेशन स्टार्ट होने में। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसके ऊपर मैं ये एयरलॉक ट्यूब लगा देता हूँ। दोस्तों ये एयरलॉक लगाने का जो है फ़ायदा रहता है कि जो अंदर की CO2 गैस होती है वो बाहर पास होती रहती है, और ये एयरलॉक बाहर की ऑक्सीजन को जार में नहीं जाने देती। तो इसे बनाने से अश्वगंधा का भी खट्टा नहीं होता है, उसका टेस्ट बढ़िया रहता है। तो आप चाहो तो ये बिना एयरलॉक के भी बना सकते हो। उसके लिए आप ये ढक्कन को ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा ढीला लगा दीजिएगा ताकि अंदर की जो गैस है CO2 गैस जार के अंदर से बाहर पास होती रहे। तो ये देखिए दोस्तों ये एयरलॉक ट्यूब मैंने घर में ही देसी जुगाड़ तरीका से बनाया था। यह दोस्तों जार मेरे पास बहुत पुराना है, तो ये मैंने पहले ये बनाया था। अभी तो दोस्तों मैं वाइन मेकिंग का कोई भी सामान मंगवाना होता है तो अपने दोस्तों से सस्ता में मंगवा लेता हूँ। तो अगर आपने भी कोई सामान मंगवाना हो वाइन या फिर अश्वगंधा मेकिंग का, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दे दिए हूँ। तो दोस्तों ये देखिए जार में डालकर हमने इसको रख दिए हैं। दोस्तों इसको ये गले से थोड़ा नीचे ही रखना होता है क्योंकि दोस्तों ये ओवरफ्लो हो जाने का खतरा रहता है। तो ये देखिए मैंने गले से इसको थोड़ा सा नीचे ही रखे हूँ। तो अभी दोस्तों ये 4-5 घंटा बाद फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसको मैंने रात को बना कर रखा था, तो ये देखिए इसको पड़े हुए 5-6 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए सुबह दोस्तों ये फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेशन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल ये नेचुरल कलर आया है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया है। तो जो करी पत्ते की निमोनिया थी उसका कलर दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और दोस्तों ये देखिए इसके एयरलॉक में देखिए कितना बढ़िया बबल छूट रहे हैं। तो दोस्तों ये एयरलॉक लगाकर इसमें ये 4-5 बूंद पानी की डाल दी जाती है, तो ये देखिए दोस्तों अंदर की गैस इस पानी में से बाहर पास होती रहती है, ये पानी बाहर की ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता। ये देखिए दोस्तों ये एयरलॉक इस तरह से फिक्स किया होता है कि ये अंदर की CO2 गैस को बाहर पास करता रहता है। तो दोस्तों अभी इसको ऐसे ही 10 से 12 दिन तक छोड़ देने का है। तो दोस्तों 12 दिन तक यह रेडी हो जाएगा, जब इसका फर्मेंटेशन डन हो जाएगा तो हम इसको फिल्टर करेंगे और दोस्तों बाद में हम इसको बॉटलिंग करेंगे और मैं पीकर इसका टेस्ट भी बताऊंगा कि यह कैसा बना है। दोस्तों अगर इसमें आप ज़्यादा शुगर डालते हो यानी कि ज़्यादा हाई अल्कोहल लेना चाहते हो तो दोस्तों इसका फर्मेंटेशन भी ज़्यादा समय लेता है, फिर 15 दिन तक ये ले लेता है समय इसका फर्मेंटेशन। तो अगर आप इसमें जैसे 1 लीटर के पीछे 50 ग्राम या 60 या 70 ग्राम डालते हो तो दोस्तों ये 5 या 6 दिन में ही रेडी हो जाता है। तो दोस्तों मैंने भी इसमें थोड़ा कम ही शुगर डाला था, तो ये 8 या 9 दिन तक पूरा रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों रेडी हो जाने के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये रेस्टा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।